सो गामा फंक्शन एक डेफिनेट इंटीग्रल है जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो गामा एन की जब हम डेफिनेशन लिखते हैं तो गामा एन की डेफिनेशन, जैसे हमने बीटा फंक्शन की डेफिनेशन करी थी, तो गामा फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? इंटीग्रेशन 0 to ∞ एक्स की पावर n-1 ई की पावर -x dx, और यहाँ पर जो n है वो हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 0। तो गामा फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? इंटीग्रेशन 0 to ∞ एक्स एक्स रेस टू द पावर n-1 ई की पावर -x dx। जैसे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, गामा फोर क्या होगा? इंटीग्रेशन 0 to ∞। अब एक्स की पावर एन की जगह क्या पुट करेंगे? 4, तो 4-1 3 x³ e की पावर -x dx। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, गामा एट क्या होगा? इंटीग्रेशन 0 to ∞ x की पावर 8-1 7 e की पावर -x dx। तो ये जनरल डेफिनेशन थी गामा फंक्शन की। और एक हम कर लेते हैं इधर साइड से उधर साइड जाने वाला, कि इधर सपोज करो आपको गिवन है इस डेफिनेट इंटीग्रल से आपको क्या बनाना है? गामा फंक्शन बनाना है। 7/2 ई की पावर -x dx। तो अब इससे गामा फंक्शन बनाना था, इधर n-1 था तो गामा के साथ क्या आया था? n। तो इधर 7/2 है, यानी कि n-1 7/2 दे रखा है, तो n-1 7/2 दे रखा है, तो n क्या हो जाएगा? 7/2 + 1 यानी कि 9/2, राइट? तो हमारे पास गामा फंक्शन क्या बन जाएगा इधर से? गामा 9/2। जैसे हमने बीटा में किया था, इधर जो भी होता है जब हम इस तरफ जाते हैं +1, और अगर उस तरफ जाते हैं तो -1। तो ये थे जनरल क्वेश्चन। तो इसके एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन दे रखा है और इसको आपको गामा की फॉर्म में लिखना है, कि गामा को जब हम लिखेंगे तो वो क्या आएगा। तो आप कहोगे ये तो जैसे हमने बीटा करा था स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो उसके क्वेश्चंस कर रहे थे, तो ऐसे हम गामा के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो अब ये गामा के फॉर्म में नहीं दिख रहा, क्योंकि गामा के फॉर्म में क्या होता है? एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंट की पावर समथिंग होता है, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। अभी आप देखो, जो हमें एक्स तो चाहिए, लेकिन हमें लॉग एक्स लॉग समथिंग नहीं चाहिए। तो लॉग की जो भी लॉग को हम कुछ लेट कर देते हैं, जैसे हम वहाँ पे करते थे, जो भी हमें नहीं चाहिए था तो उसको हम कुछ पुट कर देते थे। तो पुट लॉग 1/x = t। सिमिलरली बीटा फंक्शन की तरह यहाँ भी वेरिएबल कुछ भी आप ले सकते हो। तो हमने पुट कर दिया लॉग 1/x को t। तो हम जब इसको एक्सपोनेंशियल करेंगे तो e log 1/x = e^t। लॉग से e कटेगा तो 1/x = e^t। तो हम जब इसकी क्या करेंगे, एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास? ई की पावर -t। तो हमारे पास डी एक्स क्या आ जाएगा? डिफ्रेंसिएशन करेंगे, माइनस ई की पावर -t dt। ठीक है। अब आप एक्स 0 है तो वाई क्या होगा? सॉरी, एक्स 0 है तो टी क्या होगा? एक्स 0 है तो टी क्या होगा? इन्फिनिटी। वेरी गुड। तो एक्स 0 है, x = 0, तो टी क्या हुआ? इन्फिनिट। और एक्स हमारे पास 1 है तो टी क्या होगा? एक्स अगर हम 1 लेंगे तो टी क्या होगा? 0। लॉग 1 क्या होता है? 0। और लॉग क्या होता है? 1 0। तो एक्स की जब हम 1 था तो टी क्या होगा? 0। तो जब हम इसको पुट करेंगे तो ये क्या आएगा? इन्फिनिटी टू 0। एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे? e^ पावर -t। और लॉग 1/x को हमने पुट कर था टी, तो टी का क्यूब। और dx की जगह क्या आया हमारे पास? dx की जगह क्या आया? -e^ पावर -t dt। तो वही माइनस हटेगा तो लिमिट्स चेंज जाएंगी 0 to ∞। e की पावर ये क्या है? -4t, और ये क्या है? -t। तो e की पावर -5t और t³ dt। अब हमें
ई की पावर खाली टी चाहिए, लेकिन हम खाली माइनस टी चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या है, -5t, तो हमें 5t नहीं चाहिए। तो हम क्या पुट कर देते हैं नेक्स्ट, इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं, पुट 5t इज इक्वल टू y, तो t क्या हो जाएगा y बाय 5, तो हमारे पास dt क्या हो जाएगा dy बाय 5। x 0 है तो y क्या आएगा, तो y क्या आ जाएगा, x सॉरी t 0 पुट t 0 था तो y क्या आएगा 0, t इन्फिनिटी है तो y क्या आएगा इन्फिनिटी, तो लिमिट्स तो हमारी नहीं चेंज होंगी, तो हमारी लिमिट्स के साथ हमारा इंटीग्रेशन क्या बन गया, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस 5t को हमने क्या पुट कर दिया y, तो e की पावर माइनस y, और t क्या आ गया y बाय 5, तो t क्या आ गया y बाय 5 का क्यूब d y बाय 5, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कांस्टेंट है, टर्म्स बाहर आ जाएंगी, 5 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5, तो 1 डिवाइडेड बाय में 5 रेज टू द पावर 4 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी y का क्यूब e रेज टू द पावर माइनस y dy। तब अब आपको ये गामा दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, मैं इधर लिख देती हूँ, इसका आंसर क्या जाएगा, 5 रेज टू द पावर क्या होता है 625 इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी y क्यूब e रेज टू द पावर 4 सॉरी e रेज टू द पावर माइनस y dy। तो इसको जब हम गामा में लिखेंगे तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं तो प्लस 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 625 गामा 4। देखो एक्स की पावर माइनस सॉरी एक्स की पावर एन माइनस 1, ए की पावर माइनस एक्स डी एक्स, वाई का क्यूब ई की पावर माइनस वाई डी वाई। ई की पावर माइनस एक्स हमेशा फिक्स होता है, डी एक्स हमेशा फिक्स होता है, फर्क कहाँ पड़ता है एन पे, एन माइनस 1 3 था तो एन क्या आ गया 4, तो हमारा आंसर जो हुआ, आंसर क्या आ गया हमारे पास, ये राइट।